गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एज यू नो वी वर रीडिंग चैप्टर 5 ऑफ हिस्ट्री द वैदिक एज। लेट्स कंटिन्यू द रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर, पेज नंबर 47। मेगालिथिक कल्चर्स इन इंडिया, भारत में महापाषाण संस्कृति, केस स्टडी डेक्कन। अप्रोक्सीमेटली अराउंड द टाइम द सैक्स वर कंपोजिंग द हिम्स ऑफ द ऋग वेदा, लगभग इसी समय के दौरान ऋषि मुनि ऋग्वेद के भजनों की रचना कर रहे थे। मैंने चलकोलिथिक एंड मेगालिथिक कल्चर्स फ्लोरिस्ट इन राजस्थान, डेक्कन, कश्मीर एंड साउथ इंडिया। और जो ताम्रपाषाण युग है और महापाषाण जो संस्कृति है वो राजस्थान में, डेक्कन में, कश्मीर में और दक्षिणी भारत में फ्लरिश कर रही थी, विकसित हो रही थी। वी गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट दीज कल्चर्स फ्रॉम द मेगालिथ्स, और हमें यह जानकारी, इस संस्कृति की जानकारी हमें जो महापाषाण हैं, जो बड़े पत्थर हैं, उनसे मिलती है। मेगालिथ्स मीन्स स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ लार्ज स्टोन्स, ये बड़े स्टोन से बनी हुई वो रचनाएँ हैं। विच इंक्लूड टॉम्स, जिसमें कब्रें हैं, एंड सर्कुलर स्टैंडिंग स्ट्रक्चर, या फिर कोई गोलाकार संरचना, दैट इज कॉल्ड मेगालिथ्स। मेगालिथ्स आर लार्ज स्टोन स्ट्रक्चर। महापाषाण क्या थे? वो बड़े पत्थरों का एक संरचना थी, और ग्रुप और स्टैंडिंग स्टोन्स, या फिर खड़े पत्थरों का एक समूह है। That are believed to have some religious significance, जिनकी कुछ धार्मिक महत्वपूर्ण मान्यता थी या फिर प्रमुखता थी, धार्मिक प्रमुखता के लिए ऐसा किया जाता था। Sometimes they were erected on burial sites or were used to commemorate heroic deeds. और ऐसा कब किया जाता था? या तो ब्यूरियल साइट्स, यानी कि जहाँ पर कब्रें बनाई गई थी, कब्रों वाली जगह पर इनका निर्माण किया गया, या फिर जो हमारे हीरोइक डीड्स हैं, वीरतापूर्ण कार्य हैं, उनके स्मरण में ऐसा किया जाता था। द टर्म मेगालिथ मीन्स लार्ज स्टोन्स, और जो मेगालिथ शब्द है उसका अर्थ क्या है? बड़े पत्थर। इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स मेगास, और इस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक भाषा के शब्द मेगास से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? ग्रेट, बड़ा या महान। एंड लिथोस स्टोन, पत्थर। मेगालिथिक मोनूमेंट्स ऑफ लार्ज स्टोन्स हैव बीन फाउंड थ्रू आउट इंडिया, फ्रॉम कश्मीर इन द नॉर्थ टू तमिलनाडु इन द साउथ। और जो मेगालिथ पत्थर से, यानि कि जो बड़े स्टोन हैं, उनसे कुछ मोनूमेंट भी बनाए गए। महापाषाण कालीन में जो बड़े स्टोनों से स्मारक बनाए गए, मोनूमेंट मीन्स स्मारक, हैव बीन फाउंड थ्रू आउट इंडिया, वो पूरे भारत में पाए गए हैं। फ्रॉम कश्मीर इन द नॉर्थ टू तमिलनाडु इन द साउथ, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु तक। दे आर पार्टिकुलरली कॉमन इन द स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरल, और ये विशेष तौर पर कहाँ मिले हैं? तमिलनाडु राज्य में, कर्नाटक में और केरला में। इम्पोर्टेंट मेगालिथिक साइट्स इन द डेक्कन एंड साउथ इंडिया आर, कुछ महत्वपूर्ण मेगालिथिक साइट्स हैं जो डेक्कन में हैं या फिर साउथ इंडिया में हैं, वो कौन सी हैं? नीचे दी गई हैं, टक्कल घाट एंड खापा, महूरजारी एंड नेकुंड इन विदर्भा। विदर्भा में ये सभी हमारे डेक्कन में हैं, ब्रह्मगिरी एंड चंद्रावली एंड जादीगनहली इन कर्नाटका, और ये तीनों साइट हमारे कर्नाटक में आती हैं। नगर अर्जुन कुंडा इन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में नगर अर्जुन कुंडा साइट है जो मेगालिथिक युग से रिलेटेड है। आदि चन्नल्लूर, अमृत
मंगलम एंड सरूर इन तमिलनाडु, और तमिलनाडु में हमारी कौन सी है, आदिचनल्लूर, अमृत मंगलम एंड सरूर, और पोरकलम इन केरला। द जनरल टाइम स्पैन फॉर मेगालिथ्स रेंज फ्रॉम बिगनिंग ऑफ 1000 BC टू द एंड ऑफ द थर्ड सेंचुरी सीई। मेगालिथ यानी कि जो हमारा महापाषाणी युग है उसका सामान्य जो समय अवधि है वो 1000 BC से शुरू होती है और थर्ड सेंचुरी यानी कि तीसरी शताब्दी पर समाप्त हो जाती है। द मेगालिथ बिल्डर्स हैव नॉट लेफ्ट बिहाइंड एनी बुक्स और टेक्स्ट। और जो मेगालिथ बिल्डर्स हैं उन्होंने अपने पीछे ना तो कोई बुक छोड़ी है और ना ही कोई टेक्स्ट लेख छोड़ा है। वी गेट ए पिक्चर ऑफ देयर लाइफ, हमें केवल उनकी लाइफ की एक पिक्चर मिली है, चित्र मिला है। ओनली फ्रॉम द मटेरियल रिमेन्स, वो जो हमें अवशेष मिले हैं उनसे, दैट हैव बीन एग्जैक्वेटेड बाय द आर्क्योलॉजिस्ट, जो पुरातत्वविद हैं उनके द्वारा खोजे गए हैं। दीज रिमेन्स सजेस्ट दैट द मेगालिथ्स वर इरेक्टेड बाई डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल हु, और जो ये रिमेन्स है अवशेष हैं सजेस्ट करते हैं, हमें बताते हैं कि जो मेगालिथ्स हैं में जो निर्माण कार्य हुआ है वो विभिन्न लोगों के ग्रुप के द्वारा किया गया था। उनमें कौन कौन शामिल थे, यूज्ड आयरन इम्प्लीमेंट्स एंड टूल्स, उन लोगों ने क्या क्या यूज़ किया था, आयरन यानि कि लोहे की वस्तुएं और औजार, न्यू एंड प्रैक्टिस्ड एग्रीकल्चर एंड ग्रू क्रॉप्स, इट मीन्स जो उन्होंने निर्माण कार्य किया है वो विभिन्न लोगों के समूह द्वारा किया गया था, जिनमें कौन कौन से लोग शामिल थे, जो लोहे का वर्क करते थे, औजार या फिर अन्य सामान बनाते थे न्यू, और जो जानते थे एग्रीकल्चर को, कृषि करते थे, एंड ग्रू क्रॉप्स सच एज बार्ले, मिलेट्स, ग्राम एंड लेंटिन्स। बार्ले मीन्स होता है जो, मिलेट्स बाजरा, ग्राम चना, लेंटिल्स मसूर, और वो कृषि व्यवस्था को या उनकी टेक्निक को उनको उगाना भी जानते थे इन सभी फसलों को। देर इज़ अ पिक्चर ऑफ ब्रह्मगिरी मेगालिथ ब्यूरिल, और जहाँ ये नीचे एक पिक्चर दी गई है, तस्वीर दी गई है, ये कहाँ की है, ब्रह्मगिरी की, मेगालिथ ब्यूरिल यानि कि एक मेगालिथ कबर की जो महापाषाण काल की है। और यहाँ पर जो कबर दी गई है यहाँ पर बड़े बड़े स्टोन ऐसे इस टाइप का जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, यही मेगालिथ हमारे कल्चर है उसकी एक पहचान थी। प्रैक्टिस्ड हंटिंग, फिशिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री टू, और साथ में वो क्या करते थे, शिकार करते थे, फिशिंग मछलियाँ पकड़ते थे, एंड एनिमल हस्बेंड्री या फिर पशुपालन का कार्य करते थे। हैड वेल डेवलप्ड क्राफ्ट ट्रेडिशन, और विभिन्न जो सिल्फ ट्रेडिशन थी, शिल्प जो हमारी परंपरा है वो अच्छी तरह से विकसित थी। पोट्री फ्रैगमेंट्स फाउंड इन ग्रेव्स इंडिकेट द पोट्री वॉज मेड, और हमें मिट्टी के बर्तन के कुछ फ्रैगमेंट्स या टुकड़े भी मिले हैं, फाउंड इन ग्रेव, जो कब्रों में मिले हैं, इंडिकेट वो दर्शाते हैं द पोट्री वॉज मेड, कि उस टाइम पर मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। और इनमें कौन कौन से होते थे, ग्रेवेयर भूरे रंग के, स्लेटी कलर के, ब्लैक या फिर रेड वेयर होते थे, बीड्स मनके या मोती, कॉपर एंड ब्रोंज आर्टिफैक्ट्स, और जो हमारे मनके होते हैं कॉपर, तांबा या फिर जो कांसा होता है उससे कलाकृतियां बनाई जाती थी, एंड गोल्ड सिल्वर ऑर्नामेंट्स हैव आल्सो बीन फाउंड, इसके अलावा हमें सोने व चांदी के आभूषण भी मिले हैं। ब्यूरिड देयर डेड्स इन पिट्स, और उस महापाषाण युग में डेड यानि कि मृत व्यक्ति को पिट में, गड्ढों में, अर्न्स, कलश में
या फिर सैक्रोफेगस त्रिदोष में दफनाया जाता था एंड यूज्ड स्टोन टू कंस्ट्रक्ट और मार्क द ब्यूरियल साइट्स, और उस ब्यूरियल साइट को चिन्हित करने के लिए स्टोन का से वो निर्माण कार्य किया जाता था एज मेमोरियल फॉर द डेड, जो मृत व्यक्ति है उसकी याद में। सम ग्रेव कंटेन रिमेन ऑफ मोर देन वन पर्सन, और कुछ हमें ऐसी कब्रें भी मिली हैं जहाँ पर एक पर्सन की बजाय एक पर्सन से ज़्यादा व्यक्तियों को वहाँ पर दफनाया गया है। द प्रेजेंस ऑफ ग्रेव गुड्स सजेस्ट ए बिलीफ इन आफ्टर लाइफ, और जो ये प्रेजेंस है यानी कि जो उपस्थिति है कब्रों में, हमें जो सामान मिला है उससे हमें यह सुझाव मिलते हैं कि उस टाइम में जीवन के बाद मृत्यु के बाद वो जीवन में विश्वास करते थे। हैड सोशल डिफरेंसेस अमंग देमसेल्वेस, फॉर एग्जाम्पल एट ब्रह्मगिरी ए स्केल्टन वॉज फाउंड, उस समय भी लोगों के बीच सामाजिक अंतर थे। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए एट ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी में हमें एक कंकाल मिला है, प्यूरिड मोर गोल्ड बीड्स कॉपर बैंगल्स एंड स्टोन बीड्स, और उसके साथ क्या क्या दफनाया गया था, सोने के मन के, तांबे की चूड़ियाँ और स्टोन बीड्स या फिर पत्थर के मन के वहाँ पर दफनाए गए थे। कंपेयर्ड टू अदर स्केल्टन्स, दूसरे कंकालों के बजाय, दैट वर एग्जेक्वेटेड, और ये हमें खुदाई में मिले हैं। अ क्लोजर लुक एट डेक्कन्स ब्यूरियल, एक डेक्कन की जो कब्रें हैं उनका एक क्लोज नज़दीकी लुक लेते हैं। इन महाराष्ट्र में पार्टिकुलरली अराउंड नागपुर, जो हमारे विशेष तौर पर नागपुर के पास है, द मेगालिथिक पीपल प्यूरिड देयर डेड सरमोनियल एंड इरेक्टेड ह्यूज स्टोन्स इन ए सर्कुलर फैशन अराउंड द ब्यूरियल एरियाज। महापाषाण काल के जो लोग हैं के लोग कुछ अनुष्ठानिक कार्य करके मुर्दे को दफनाते थे। एंड इरेक्टेड ह्यूज स्टोन्स इन ए सर्कुलर फैशन अराउंड द ब्यूरियल एरियाज, और जो कब्र के आसपास का जो एरिया है उसके चारों ओर या फिर सर्कुलर वे में यानी कि गोलाकार एक गोलाकार आकृति में बड़े बड़े स्टोनों का निर्माण करते थे या फिर उनको खड़ा करते थे। द कॉर्प्स, कॉर्प्स मीन्स होता है जो डेड यानी कि लाश, वॉज डेक्ड विद ज्वेल्स एंड इवन द हॉर्स फुली ऑर्नामेंटेड, और लाश को कुछ आभूषणों के साथ और कई बार हॉर्स के साथ या फिर उसको फुली ऑर्नामेंटेड पूरी तरह आभूषण पहनाकर दफनाया जाता था। वॉज ब्यूरिड विद देयर मास्टर, या उनको उसके मास्टर के साथ भी दफनाया जाता था। इट द साइट ऑफ एट द साइट ऑफ जोरवे पीपल ब्यूरिड द डेड इनसाइड द हाउस अंडर द फ्लोर, और जो जोरवे साइट है, जोरवे एक जगह का नाम है, वहाँ पर लोगों को घर के फर्श के नीचे दफनाया जाता था। चिल्ड्रन वर प्यूरिड इन टू अर्न्स, और जो बच्चे होते हैं उनको दो कल्स में दफनाया जाता था। दैट वर जॉइंट, और उनको जोड़ दिया जाता था, माउथ टू माउथ, उनके मुंह को आपस में जोड़कर उसमें बच्चे को रखकर तब उसको दफनाया जाता था दो कलसों में। एंड सेट हॉरिजेंटली इन ए पिट, और उसे गड्ढे में हॉरिजेंटली यानी कि सीधा खड़ा कर दिया जाता था। अडल्ट्स वर ब्यूरिड इन अ स्पाइन पोजिशन, और जो वयस्क होते थे उनको भी हॉरिजेंटली स्थिति में यानी कि सीधा उनको दफनाया जाता था, सीधा बैठाकर, विद द हेड टूवर्ड्स द नॉर्थ, और उनका जो हेड है वो हमेशा कहाँ पर रहता था, उत्तर दिशा में, बिफोर द सर्मोनियल ब्यूरियल, और अनुष्ठानिक ब्यूरियल से पहले दफनाने से पहले फिट वर चॉप्ड ऑफ, उनके पैरों को काट दिया जाता था, पॉसिबली बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ द डेड टर्निंग इंटू गोस्ट, ताकि जो पॉसिबली संभवतः इसलिए क्योंकि ताकि जो मृत व्यक्ति है वो गोस्ट में ना बदल जाए। एट इनाम गांव, इनाम गांव में आ चाल कोलोथिक साइट, ये एक ताम्रपाषाण
पाषाण काल की जगह है। द अडल्ट्स वर जनरली ब्यूरिड विद इन द हाउस, जो वयस्क है उनको घरों में ही दफनाया जाता था, एंड लेड आउट स्ट्रेट, और उनको सीधा लिटाया जाता था, विद द हेड टूवर्ड्स द नॉर्थ, और उनका भी फेस कहाँ पर होता है, नॉर्थ की तरफ, अदरवाइज, जबकि पीपल एट जोरवे एंड इनाम गाँव लेड लीव्स सिमिलर टू साउथ इंडियन मेगालिथिक बिल्डर्स। जारवे और इनाम गाँव में रहने वाले लोगों का जीवन और दक्षिणी भारत के मेगालिथ जो बिल्डर्स हैं उनका जीवन एक समान था। दे यूज्ड कॉपर एंड आयरन टू मेक टूल्स, और वे तांबे का और लोहे का यूज़ करते थे औजार बनाने के लिए। ग्रू वीट, अनाज उगाते थे, बार्ले, जो, लेंटिल्स, मसूर एंड राइस, प्रैक्टिस्ड एनिमल हस्बेंड्री और पशुपालन का कार्य करते थे, एंड लिव्ड इन सर्कुलर और रेक्टेंगुलर हट्स, और वो गोलाकार या फिर आयताकार झोपड़ियों में रहते थे। टुडे वी फिनिश्ड द रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर, इट्स टाइम टू डू सम बैक एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट ऑप्शंस, विच इज द ओल्डेस्ट वेदा, सबसे पुराना वेद कौन सा है, द आंसर इज ऋग्वेदा। विच वेदा हैज बीन इंक्लूडेड बाय यूनेस्को इन द लिस्ट ऑफ लिटरेचर सिग्निफाइंग वर्ल्ड ह्यूमन हेरिटेज, जो विश्व मानव विरासत है उसमें यूनेस्को के द्वारा किस वेद को शामिल किया गया है, द आंसर इज ऋग्वेदा। सामवेदा इज ए बुक ऑफ, जो सामवेद है वो किसके बारे में बुक है, हिम्स मेंट टू बी संग, यानि कि भजनों के गाने के बारे में। द मेन कोर्स इन द ऋग्वेदा आर, ऋग्वेदा का प्रमुख भगवान क्या है, इंद्र, अग्नि एंड वरुण। द ट्रिपल असेंबलीज मैंशनड इन द ऋग्वेदा, ऋग्वेदा में कुछ जाति है जो स्मृति है उनको मेंशन किया गया था, वो कौन सी है, सभा एंड स्मृति। क्वेश्चन नंबर टू, फिल इन द ब्लैंक्स, द इंडो आर्यंस फर्स्ट माइग्रेटेड टू नॉर्थ वेस्ट इंडिया, वो कहाँ पर गए थे सबसे पहले इंडिया में, उत्तर पश्चिमी भारत में आकर बस गए थे। द ऋग वेद प्रोवाइड्स मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द अर्ली वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। ईच ट्राइब ऑफ द अर्ली वैदिक सोसाइटी हैड इट्स ओन रूलर नोन एज, जो प्रत्येक ट्राइब का, सॉरी, अर्ली वैदिक जो सोसाइटी है, समाज है, उसमें प्रत्येक जो ट्राइब्स थे, जनजाति थी, उसका एक रूलर होता था, उसको हम किस नाम से जानते थे, राजन। द राजन टुक डिसीजन इन कंसल्टेशन विद द सभा एंड समिति, राजन वो सभा और समिति की सहमति से निर्णय लेता था। मेगालिथ्स आर लार्ज स्टोन स्ट्रक्चर, मेगालिथ क्या है, बड़े पत्थर के संरचना है, और ग्रुप्स ऑफ स्टैंडिंग स्टोन्स या फिर खड़े पत्थरों का समूह है, दैट आर बिल्ड टू हैव सम रिलीजियस सिग्निफिकेंस, जिसकी अपनी कोई धार्मिक महत्वपूर्णता थी। स्टेट वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, द फर्स्ट इज पीपल ऑफ द अर्ली वैदिक सोसाइटी वर्शिप्ड द फोर्सेस ऑफ नेचर, अर्ली वैदिक समाज के लोग जो प्राकृतिक शक्तियाँ हैं उनकी पूजा करते थे, दिस इज ट्रू। पेंटेड ग्रे वेयर पोट्री इज एसोसिएटेड विद द अर्ली वैदिक पीपल, अर्ली वैदिक पीपल में जो लोग हैं वो चित्रित, जो हमारी ग्रे वेयर होती है यानि कि मिट्टी के बर्तन, उनसे जुड़े हुए थे, दिस इज फॉल्स। द अर्ली इंडो आर्यंस प्रैक्टिसाइज्ड एग्रीकल्चर, आरंभिक इंडो आर्यंस कृषि करते थे, दिस इज ट्रू। इन लेटर वैदिक पीरियड द पोजिशन ऑफ द किंग वॉज लेस पावरफुल, जो बाद का हमारा वैदिक पीरियड है, युग है, उसमें राजा की जो पोजिशन है या स्थिति है वो कम पावरफुल यानि कि कम शक्तिशाली हो गई थी, दिस इज फॉल्स, क्योंकि उस बाद के वैदिक पीरियड में राजा बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गया था। मेगालिथ्स आर द स्मॉल स्टोन स्ट्रक्चर्स बिलीव्ड टू हैव नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस,
मेगालिथ में छोटे पत्थरों की संरचनाएं मिली हैं और उनका अपना धार्मिक महत्व, दिस इज फॉल्स, क्योंकि कैसी है वो संरचनाएं बड़े पत्थरों की। वेल स्टूडेंट्स, डू द बैक एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर एंड लर्न आल्सो एंड ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस। थैंक यू।